हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। मार्केट को 3 दिन छुट्टी है, जैसे कि सैटरडे, संडे एंड मंडे। अब मार्केट जो है ट्यूसडे को ही ओपन होगा, 18 को। तो ट्यूसडे के लिए मार्केट किस तरह से ओपन होगा, क्या रेंज मार्केट की रहेगी, क्या लेवल्स रहेंगी और इन लेवल्स पर हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए, इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और निफ्टी की बात करते हैं कि पिछले कुछ दिन से, मतलब पिछले वीक में हमने देखा कि निफ्टी जो है एक ही रेंज में मूव कर रहा है। मतलब काफी टाइम से 23,200 से लेकर 23,500 के बीच में ही लगातार, कितने दिन, 1, 2, 3, 4 और 5 दिन, 5 दिन पूरा हफ्ता इसी रेंज में रह गया है। अब नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है मार्केट? मंडे, जैसे कि हमने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे एंड मंडे। मंडे को हमारे मार्केट क्लोज है लेकिन ग्लोबल मार्केट ओपन है, तो इसके चलते हमें ट्यूसडे को जो है एक अच्छा गैप अप या एक अच्छा गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट बिहेव पॉजिटिव कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये जो बिहेवियर है या जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को ऐसे तो देखा जाए तो हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। अब ऊपर की रेंज वैसे क्या निकल के आ रही है मार्केट की, ट्यूसडे के लिए, ओवरऑल के लिए भी हम बात करेंगे। ट्यूसडे के लिए 23,555 एंड उसके ऊपर 23,625, ये एक रेंज निकल के आ रही है ट्यूसडे के लिए। अब इसके ऊपर जाता है तो 750 एंड 24,000, मतलब मार्केट ज्यादा से ज्यादा 23,800, 24,000। अब ये जो रेंज ऊपर की निकल के आई है, ये ऑलमोस्ट हम 25th में से कह रहे हैं कि ऊपर का जो रेंज रहेगा 23,500, ज्यादा से ज्यादा 24,000, और नीचे में जो रेंज रहेगी वो 21,500, 21,000 रहेगी। तो जो नीचे का जो लेवल है मार्केट का, 21,500, 280 का कुछ लो लगाया है मार्केट ने, तो जो लो लगाया है वो नीचे का टारगेट तो वो अचीव हो ही गया एक ही दिन में। 4 जून के सेशन में हमें एक ही दिन में ये टारगेट जो है देखने के लिए मिला। तो अब मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, तो ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 23,800, 24,000 बहुत अगर एक्सटेंड करो तो। नीचे की रेंज क्या है, ओवरऑल ये बड़ी रेंज बोल रही हूँ, ट्यूसडे के लिए तो यही रेंज है। अब ट्यूसडे के लिए नीचे की जो रेंज निकल के आ रही है 23,350 एंड 23,215, ये जो रेंज है ये नीचे की रेंज निकल के आ रही है। अगर यहाँ से नीचे जाता है मार्केट तो अगेन यहाँ से 100-150 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर रेंज का हम बात करें, जब इस तरह का कोई पैनिक लो मार्केट लगाता है तो जनरली देखा गया है चार्ट पर काफी टाइम कि ये पैनिक लो लगाने के बाद मार्केट धीरे 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 करके आता है और उस पैनिक लो को फिर से एक बार उस एरिया में जाने की कोशिश करता है। अब ये देखना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट पहले नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है या पहले ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। अब अगर ऐसे देखा जाए तो बजट है। अब नेक्स्ट ट्रिगर मार्केट के लिए क्या है, बजट। हो सकता है कि बजट जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हो, अभी तक डेट समय पता नहीं है, बट हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ये बजट जो है वो हो, तो वो एक ट्रिगर जो है मार्केट के लिए हो सकता है। तब तक मार्केट इसी रेंज में घूम के रह जाएगा। ऊपर में जो बड़ा रेंज हमने निकाला है 23,800, 24,000, और अगर नीचे रेंज की बात करें तो मेन तो अभी के लिए तो 23,000 ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको होल्ड करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर अगेन 22,500 उसके नीचे भी और सरकने की कोशिश करता है। इन बिटवीन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज या नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट मार्केट पर किसी न्यूज का आता है तो मार्केट इस तरह से भी रिएक्ट कर सकता है। बट ये तो हम 2-3 दिन, 3-4 दिन का व्यू लेकर चल रहे हैं कि इस तरह का हो सकता है कुछ मार्केट में। अदरवाइज हम सिर्फ ट्यूजडे का बात करें तो ये रेंज हमारे लिए सफिशियंट है। और वैसे भी हम लोग लाइव आते ही है कि मार्केट कहाँ गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट रेंज शिफ्ट करेगा हम लाइव सेशन में आते ही है और आपको फिर जो है बताते ही है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है और नेक्स्ट लेवल अब क्या मार्केट की निकल के आ रही है, किस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में, ये सब हम लाइव पे ही डिस्कस करते हैं। आप में से हो सकता है कि कई लोगों को ये पता ना हो कि हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं मॉर्निंग 9 o'clock, 9:15 से 3:30 तक हम लाइव रहते हैं। तो आपको, जिनको पता नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगा। अगेन बैंक निफ्टी हमेशा हमने देखा है कि इस बार, एक पिछले 2-3 दिन से
बैंक निफ्टी मूवमेंट तो काफी कर रहा है, बट अगर नीचे जाता है तो स्पीड में नीचे जाता है, और निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी स्पीड में ऊपर ज्यादा जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये आईटी स्टॉक्स की वजह से हो रहा है। स्टॉक्स या आईटी सेक्टर, ये जो है ये पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, तो निफ्टी को ये ऊपर ऊपर रखने में काफी सस्टेनेबल है। बट बैंक निफ्टी जो है नीचे आता है तो स्पीड में आता है, ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, वाइस वर्सा, निफ्टी ऊपर जाता है तो स्पीड में जाता है, नीचे आता है तो धीरे धीरे आता है। इस तरह का बिहेवियर हमें अभी तो भी देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी का बात करें, तो अब अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकता है या इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज अगर हम देखें तो ऊपर में जो रेंज है वो 50,250 का रहेगा, एंड उसके ऊपर 50,650, ये 400 पॉइंट की रेंज जो है ये डायरेक्ट, इसमें बीच में कोई हर्डल है नहीं। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर यहाँ से ये धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब अगर नीचे की लेवल हम चेक करें तो 49,830 एंड देन 49,680, और अगर यहां से भी नीचे आ जाता है तो 49,510, ये लेवल्स जो है बैंक निफ्टी की निकल के आ रही है। अब हमें ये देखना है कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, कहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, या यहाँ पर ओपन हो रहा है। जहां पर भी मार्केट ओपन हो उसके बाद वो 5-10 मिनट क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, और उसी पे हमारा ट्रेडिंग प्लान जो है आगे का रहेगा। तो इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ देख सकते हैं। जो लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, सेम बैंक निफ्टी का जैसे चार्ट चलता है, सेम उसी तरह से फिन निफ्टी का भी चार्ट चलता है। तो फिन निफ्टी की भी जो लेवल्स है वो लाइव में आपको मैं निकाल के बता ही दूंगी, अदरवाइज आप चार्ट को समझते हैं बैंक निफ्टी के तो फिन निफ्टी भी आपको इजिली समझ में आ जाएगी। और बाकी फिर आप अगर सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं वो लिंक पर जाकर ही जो है ज्वाइन हो, अदरवाइज आप नॉर्मली नेम सर्च करने जाएंगे तो हो सकता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप किसी फेक चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहीं पर जाकर जो है आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट, मार्केट के कुछ न्यूज अगर आ रही है या फिर जो लेवल्स है, एनीथिंग, जिस तरह का सपोर्ट हम कर सकते हैं हम टेलीग्राम में करते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद सीखना चाहते हैं, सीख कर करना चाहते हैं, टेक्निकल सीखना चाहते हैं, मार्केट के कंसेप्ट सारे सीखना चाहते हैं, ग्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है एज वेल एज हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है। तो आप जो भी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।